प्राणघात हमले के मामले में चार गिरफ्तार। बजरी से भरा डंपर रुकवाकर रॉयल्टी के लिए पूछा तो चार लोगों ने लोहे व लट के जरिए से ताबड़तोड़ प्राणघात हमला कर दिया, जिसमें प्रार्थी को गंभीर चोट आई। इस मामले में राजनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि वार्ड नंबर 11 सिद्धनगर कॉलोनी मुरैना जिला पुलिस थाना मुरैना जिला मुरैना हाल दोइंदा निवासी योगेंद्र सिंह पुत्र हरिनाथ बागोल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। तेजपुरिया बडाड़ा निवासी दिलीप सिंह पुत्र भैरव सिंह, घासा निवासी नरेश सिंह पुत्र अर्जुन सिंह कितावत, अंबेरी उदयपुर निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र रतन सिंह सिसोदिया, घासा निवासी दयाल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह कितावत ने जान से मारने व मारपीट करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिपोर्ट में बताया कि रात्रि 1 बजे के आसपास रविंद्र सिंह, जगदीश गुजर, विकास पारिक, पिंटू सिंह दो गाड़ियां लेकर गश्त पर निकले, बडाड़ा की तरफ पहुंचे। पामनहेड़ा की तरफ से एक डंपर जो बजरी से भरा हुआ था, डंपर को रुकवा कर पूछताछ की। डंपर में बजरी है, इसकी रॉयल्टी बताओ तो इतने में एक कार मारुति अल्टो में चार आरोपी सवार होकर आए और आते ही गाली क्लोज करते हुए रॉयल्टी नहीं देने की बात कही, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आरोपियों के पास लोहे व लकड़ी के लट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस मामले में जगदीश के अंगुली पर चोट आई व रविंद्र सिंह के सिर फट गया, साथ ही आरोपी इसके बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांकरोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद जिले की कांकरोली थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद दादीच ने बताया कि अभियान के तहत शहर में नशे की सामग्री बेचने वालों को चिन्हित किया और उन पर निगरानी रखी गई। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर हाउसिंग बोर्ड निवासी सुरेंद्र सिंह चारण को 10 ग्राम स्मैक के साथ रिको एरिया दोइंदा से गिरफ्तार किया। NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सुरेंद्र सिंह को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। इस प्रकरण की जांच कुंवरिया थाना प्रभारी लालू राम जाट को सौंपी। अब पुलिस आरोपी से सप्लायर का पता करने के बारे में पूछताछ की जा रही है, साथ ही आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। दहेज को लेकर विवाहिता से मारपीट, मौत। राजसमंद जिले के भीम में मन को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। घटना भीम थाना क्षेत्र की है, जहां विवाहिता को दहेज के लिए पति और सास ससुर ने इतना प्रताड़ित किया और उसको मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद विवाहिता के परिवार ने भीम थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसकी जाँच भीम डिप्टी राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। बता दें कि यह पूरा मामला राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर वर्ष 2013 में चित्तौड़ के बेंगू निवासी राजेंद्र सिंह ने अपनी बेटी स्वराज कुमार का विवाह भीम के जितेंद्र सिंह भल्ला से करवाया था। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला और इस दौरान स्वराज कुमार जितेंद्र सिंह भल्ला की दो बेटियां हुई, लेकिन दो बेटियां होने के कारण पति, सास और ससुर विवाहिता स्वराज कुमार को परेशान करने लगे और यह घटनाक्रम करीब 4 महीने तक चला। वहीं विवाहिता को दहेज के लिए भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस दौरान विवाहिता के साथ पति द्वारा मारपीट की जाती और विवाहिता की दोनों बेटियों को खाना तक नहीं दिया जाता। जब विवाहिता ने अपनी बच्चियों के खाना देने की बात कही तो फिर से मारपीट की जाती थी और पति जितेंद्र सिंह भल्ला द्वारा दूसरी शादी करने की धमकी और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। उसे आए दिन मारपीट करता रहता था, जिससे वह काफ़ी बीमार हो गई। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि स्वराज की सास ने कुकर से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और उसके पति ने उसका इलाज घर पर ही किया, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे ब्यावर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान विवाहिता स्वराज ने दम तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसका पति नर्सिंग कर्मी है, जिसे बचाने के लिए नर्सिंग संगठन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार ने भी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए नर्सिंग संगठनों से मदद की गुहार लगाई है। हमारी बच्ची बेगू की रहने वाली थी, जिसका नाम स्वराज कंवर था, जिसकी शादी हम लोगों ने 2013 के अंदर भीम में की थी। ये कालाकुंभ के रहने वाले हैं। ससुर का नाम सुरेंद्र सिंह भल्ला है, सास का नाम पुष्पा कंवर भल्ला है, ननद का नाम डिंपल कंवर चौहान है
और जवाईसा का नाम जितेंद्र सिंह भल्ला है। इन सब ने मिलकर हमारी बच्ची को 4 महीनों से प्रताड़ित कर रखा है, लगातार अत्याचार कर रहे हैं। दहेज के मामले में लेकर बच्ची के 2 लड़कियां हो गई उसके मामले में लेकर बच्ची को बहुत मारते थे और ये इंजेक्शन भी लगाते थे बच्ची के। इनकी सास ने कुकड़ से मारा तो घर पे ही जवाईसा ने टाके ले लिए, जितेंद्र सिंह भल्ला ने घर पे ही टाके ले लिए। और मैंने पोस्टमार्टम के टाइम पे हम लोग गए थे, मैंने देखा था बच्ची के शरीर पे, पूरे शरीर पे लकड़ियों के, झाड़ू के, सबके मारे हुए निशान है। गरम कुकर से लड़की को मारा उसका निशान भी है। और बच्ची को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, खाने के लिए बच्चों के लिए कुछ सामान नहीं देते थे बच्ची के लिए। ऊपर इन्होंने ताले में बच्ची को लॉक कर रखा था हमारी स्वराज कवर को, और ये जवाईसा नीचे ही सोते थे और उसको अकेला ऊपर सुलाते थे। और बच्चों को कुछ खाने के लिए नहीं देते थे तो वो बाहर जाती थी तो ये लोग कहने लगे ये तो पागल है पागल है। इन लोगों को रखना नहीं था, दूसरी शादी करनी थी, इस चक्कर के अंदर इन लोगों ने बच्ची को बहुत ज़्यादा परेशान किया और उन लोगों ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी। मैं ये चाहती हूँ कि नर्सिंग स्टाफ भी इन लोगों का सपोर्ट कर रहा है, ब्यावर हॉस्पिटल वाले भी इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। अवैध बजरी परिवहन करने पर पुलिस की कार्रवाई, रेती से भरा ट्रैक्टर किया जब्त। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में बनास नदी में अवैध बजरी दोहन के खिलाफ कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलमगरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन करने पर बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया। रेलमगरा थाना प्रभारी भरत योगी ने बताया कि बनास नदी में काफ़ी मात्रा में अवैध बजरी का दोहन किया जा रहा है। रेलमगरा पुलिस टीम के हेड कांस्टेबल हीरालाल, कांस्टेबल कुलदीप रविंद्र द्वारा कार्रवाई करते हुए सोनियाणा गांव से बनास नदी की तरफ से अवैध बजरी दोहन पर ट्रैक्टर रुकवा कर नियमानुसार डिटेन कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर गिलुंड चौकी लाए, इसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को सूचना दी। रेलमगरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। चेक अनादरण मामले में 3 साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में वांछित अपराधों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलमगरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेक बाउंस में 3 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। रेलमगरा थाना प्रभारी भरत योगी ने बताया कि पिछले 3 साल से चेक बाउंस में मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी कोटली रेलमगरा निवासी कैलाश चंद्र पुत्र वरदा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना प्रभारी भरत योगी द्वारा गठित टीम में कांस्टेबल भंवर सिंह, सोमेंद्र सिंह द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में की चोरी। केलवा थाना क्षेत्र के जैन मंदिर अंधेरी ओरी में रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के ऊपर टीन शेड को तोड़कर अंदर घुसे और मंदिर में रखी दान पेटी तोड़कर नकदी चुरा ली। मंदिर के पुजारी बिहारी दास वैष्णव ने बताया कि सुबह जब वह मंदिर में गया तो देखा कि मंदिर में सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला। यह सब देख उसके होश उड़ गए, साथ ही मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी चुरा ली। पुजारी ने घटना की सूचना मंदिर के अध्यक्ष सुभाष कोठारी को दी। इसके बाद केलवा पुलिस थाने में मंदिर में चोरी होने की रिपोर्ट दी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज किया, साथ ही केलवा पुलिस द्वारा मंदिर में मौके पर जाकर मौका मुआयना किया और वहां से आवश्यक साक्ष्य जुटाए।
पुलिस ने चोरी के मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी।